वेलकम बैक अगेन टू अ न्यू वीडियो। और आज यहाँ पे आपको हम दिखाएंगे एक ऐसा यंत्र जिसका आविष्कार मजबूरी में हुआ, किडनियों का दुश्मन, लोन्स का भरमार करने वाला आपका अपना एप्पल। मोस्टली यहाँ पे एप्पल जब भी कोई चीज लॉन्च करता है तो एप्पल ऐसे करके दिखाता है जैसे वो कोई बहुत बड़ी इनोवेशन लेके आया है, लेकिन यहाँ पे इनोवेशन होता या नहीं होता वो बात की बात है, बट इनोवेशन के चलते एंड यूजर या फिर एंड कस्टमर है उसकी पॉकेट का यहाँ पे खर्चा बढ़ जाता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो एप्पल ने यहाँ पे सबसे पहले 3.5 mm का जैक हटाया, तो वहाँ पे लोगों को जो 3.5 mm वाले ईयरफोन थे वो उनके खराब हो गए, उनको अलग से लाइटनिंग वाले खरीदने पड़े। उसके बाद फर्दर इनोवेशन आए तो यहाँ पे एप्पल मैकबुक के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगा, और यहाँ पे मैकबुक एयर को इतना पतला करने के चक्कर में उसने लगभग यहाँ से सारे पोर्ट्स हटा दिया। अब फिलहाल मेरे पास मैकबुक M1 है और यहाँ पे आप देखोगे इसके अंदर तो यहाँ पे पोर्ट नाम की कोई चीज बची नहीं है, बस दो टाइप सी वाले पोर्ट्स बचे हैं। अब यहाँ पे चैलेंज क्या आता है इन मैकबुक एयर के साथ कि इसको आप कहीं भी कैरी कर रहे हो तो आपको एक एडेप्टर साथ में लेके घूमना पड़ता है, बिकॉज मोस्टली इंडियन मार्केट जो है वो यूएसबी पे काम करती है और यहाँ पे यूएसबी वाले पोर्ट यहाँ पे कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलते हैं, तो इसलिए आपको एक पोर्टेबल कनेक्टर चाहिए जहाँ पे आप इसको काम में ले पाओ, नहीं तो फिर ये आपके किसी काम करिए, कहीं भी आपको डेटा ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। वेल तो काफी रिसर्च किया मैंने यहाँ पे और अमेजोन पे सेल आया था जिसमें एक डिवाइस देखा मैंने जिसका नाम था केबल क्रिएशन की तरफ से, केबल थी मल्टी पोर्ट एडेप्टर करके एक प्रोडक्ट था, तो वो मैंने यहाँ पे डील ले ली है। फिलहाल वो डील मेरे हाथ में है और डिलीवर हो चुका है, तो वेल यहाँ पे इसकी चीरफाड़ करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि इसमें क्या कमाल कमाल की चीजें हैं, बिकॉज जो प्राइस है एज पर मार्केट कॉम्पिटिशन प्राइस थोड़ा सा हायर साइड है। अभी मेरे ख्याल से 2700 से 2800 का प्रोडक्ट मिलेगा और मैंने इसको डील में आई थिंक 2000 के आसपास परचेज किया है, लेकिन फिर भी 2000 फॉर अ पोर्ट इज लाइक क्वाइट कॉस्टली, बिकॉज आप 1,00,000 का लैपटॉप परचेज करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई उसके बाद आपको और कोई खर्चा ना आए, बट एप्पल ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है आपसे। बोल तो ये अपने पास डिवाइस आ गया है केबल क्रिएशन की तरफ से और यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है यहाँ पे आपको HDMI पोर्ट मिल जाता है, उसके बाद USB 3.0 मिल जाता है और ईथरनेट का पोर्ट भी यहाँ पे मिल जाता है। केबल देखने में कुछ ऐसी होगी, इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, तो इसको एक कट मार देता हूं मैं यहां से, बल डिवाइस को बाहर निकाल लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि अंदर एक्चुअल में कितना दमदार प्रोडक्ट है। पैकेजिंग मतलब बिल्कुल एप्पल टाइप की लग रही है। ये करते हैं साइड में और ये यहाँ पे एक पाउच मिल जाता है आपको, बोल तो ये आपको एक ब्रोशर मिल जाता है जो इस प्रोडक्ट के बारे में बताता है और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन देता है। ये है इसकी वारंटी का कार्ड जो कि 24 मंथ्स प्रोडक्ट वारंटी बोलता है और कैसे आपको मतलब वारंटी क्लेम करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन की हुई है। एंड बाकी इसके अलावा बॉक्स में कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, एक पाउच मिल जाता है यहाँ पे केबल क्रिएशन की तरफ से, मतलब इस पाउच में आप इस डिवाइस को डाल के कैरी कर सकते हो कहीं भी, तो दैट्स गुड। तो ये कुछ इस तरीके से अंदर चला जाता है, ऐसे आप इसको कैरी कर सकते हो। केबल की बात करें तो ये देखने में कुछ ऐसा है, केबल क्रिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांड का नाम। इसके अलावा जो केबल की क्वालिटी है ये काफी अच्छी है, बिल्कुल मोस्टली जो केबल्स खराब होती है वो यहाँ बैंड से होती है, तो इसका बैंड भी मुझे काफी अच्छी क्वालिटी का दिख रहा है। और इसके साथ यहाँ पे जो शेल है इसका फ्रंट वाला, इसके साथ कॉपर इंसुलेशन है यहाँ पे, तो रस्टिंग वगैरह भी बहुत जल्दी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी आप। और बात करें डिवाइस की तो यहाँ पे ये रहा डिवाइस, तो यहाँ पे आपको USB 3.0 USB 3.0 दो पोर्ट मिल जाता है यहाँ पे देखने को, और अदर साइड हम बात करें तो यहाँ पे एक USB 3.0 मिल जाता है और यहाँ पे एक HDMI मिल जाता है। बेस्ट बात क्या है यहाँ पे जो HDMI है ये आपको 4K वाली क्वालिटी भी देता है। इसके साथ बात कर लें इस तरफ तो यहाँ पे आपको ईथरनेट वाला पोर्ट मिल जाता है जिसमें दो LED इंडिकेटर्स हैं जो आपको नेट की कनेक्टिविटी के बारे में बताते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और कोई पोर्ट देखने को नहीं मिलते हैं, तो इन टोटल 1, 2, 3, 4, 5 पोर्ट मिल जाते हैं यहाँ पे देखने को जो कि मोर देन इनफ है। यहाँ पे कुछ टाइप के एडेप्टर्स आते हैं जहाँ पे आप मेमोरी कार्ड को भी रीड करना चाहते हो, लेकिन वो मेमोरी कार्ड वाला ऑप्शन इसमें नहीं है। ये जो प्रोडक्ट है ये लगभग आपको 2500 के आसपास देखने को मिलेगा और इसका जो जुगाड़ है वो मेरे हाथ में ये रहा, ये प्रोडक्ट आपको 100 रुपये का देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आप अपने पेन ड्राइव को या किसी भी मतलब ऐसे USB को लगा के डेटा को रीड कर सकते हो। लेकिन मतलब अगर आप पूछोगे कि जो काम 100 रुपये में हो रहा था वो आपने यहाँ पे 2500 क्यों डाले, एक रीजन है कि बिकॉज ये जो डिवाइस है ये स्पीड से लिमिटेड है, ये जो USB है वो 2.0 मिलता है यहाँ पे, जिसकी जो स्पीड है आपको अप टू मैक्सिमम 500 Mbps वाली मिलती है, तो डेटा अगर बड़ी फाइल है तो ट्रांसफर करने में आपको काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है ये। और वहीं पे अगर आप बात करो इस USB 3.0 की
तो ये जो डेटा ट्रांसफर करता है वो करता है अप टू 5 Gbps, मतलब उसके कंपैरिजन में बात करूं नॉर्मल वाले के तो ये जो स्पीड है वो काफी ज्यादा हाई है। जो HDMI पोर्ट है वो आपको जो आउटपुट देगा वो 4K वाली देगा अप टू 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। 60 फ्रेम्स वाली रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हाँ मोस्टली 1080 वाली जो पिक्चर क्वालिटी है उसको काफी अच्छे से ये डिलीवर कर पाएगा यहाँ पे। और इसके साथ जो यहाँ पे इथरनेट पोर्ट मिल जाता है आपको, इसकी जो स्पीड मिलती है वो लगभग आपको मिल जाएगी 1 Gbps वाली। और यहाँ पे अगर इस डिवाइस को मैं कनेक्ट करता हूँ तो ये बहुत इजीली यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। तो बेसिकली इसकी जो फिट है और जो ग्रिप है वो यहाँ पे काफी कमाल की देखने को मिलती है। ये जो पार्ट है ये आपका पोर्टेबल रहता है, यहाँ पे आपको जो भी प्लग करना है वो आप प्लग एंड प्ले वाली चीजें यहाँ पे काम में ले सकते हो। ये जो है ये भी एल्युमिनियम का बना है, और यहाँ पे जो आपका एडेप्टर है ये भी पूरा एल्युमिनियम का बना हुआ है। एल्युमिनियम की बेस्ट पार्ट क्या है कि ये यहाँ पे हीट को डिसिपेट करता है। ये था यहाँ पे केबल क्रिएशन की तरफ से मल्टी पोर्ट एडेप्टर, मतलब ऐसे बहुत टाइप के लैपटॉप्स हैं जिसमें आपको ये चैलेंज देखने को मिलता है जहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स नहीं होते वहाँ पे आपको इस टाइप का एडेप्टर कैरी करने होते हैं। एंड आई बिलीव अगर आप एप्पल के डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो या फिर आप आईपैड प्रो वगैरह यूज़ कर रहे हो या फिर XPS यूज़ कर रहे हो या फिर ऐसे कोई लैपटॉप यूज़ कर रहे हो जहाँ पे टाइप सी वाला कनेक्शन वाला मतलब झोल है वहाँ पे, तो ये डिवाइस काफ़ी कमाल का है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने देखते देखते। ऐसी वीडियोज देखने के लिए और मेरे से कनेक्ट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो शेयर करें, लाइक कर दें, और बस आपका प्यार ऐसे बना रहे। आगे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।